छिंदवाड़ा में प्राथमिक शाला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही के चलते ध्वज को सूर्यास्त के बाद भी नहीं उतारा गया। दूसरे दिन तहसीलदार ने ध्वज को दोपहर में उतारा। परासह के बिजोरी गुमाई गांव से प्राथमिक शाला में एक शिक्षक की लापरवाही सामने आई। राष्ट्रीय ध्वज को 15 अगस्त के दिन सूर्यास्त के पहले उतार लिया जाता है, लेकिन शिक्षक की लापरवाही के चलते ध्वज दूसरे दिन उतारा गया। शिकायत के बाद तहसीलदार ने संज्ञान में लेते हुए उस शिक्षक को नोटिस दिया है। इधर शिक्षक का कहना है कि उन्होंने ध्वज उतारने के लिए बोल दिया था। सर कटवार को बोल दिए थे, कल पंचायत में कॉन्वेंट सेंटर है और चाबी वगैरह उसी को दे दिए है ना, कटवार को बोल दिया, वो पीपा के पड़ा बोले। आपको राष्ट्र ध्वज का नियम मालूम है? हाँ जी ऐसा भी है सर, वो तो गलती वगैरह हो गई है। अपन का राष्ट्र ध्वज का कि उतारा कब जाता है? 5 बजे उतारा जाता सूर्यास्त के पहले। हाँ तो क्यों नहीं उतारा गया? सर मैं थोड़ा बाहर चला गया था, उनकी जिम्मेदारी कटवार को दे दिए थे इसलिए मैं चला गया था। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।